जी, ये काशीनाथ तो अंदर ही बैठा हुआ है। हाँ संता जी, जब वो बाहर आएगा तभी तो कुछ कर पाएंगे हम। उसे बाहर निकालने के लिए कोई उपाय सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं उपाय सोचता हूँ। वो काम मेरा है। इस शराबी को बहला के फिर से शराब पिलाने का कोई तो रास्ता होगा। दैत्यों की सेना का खंडोबाजी की सेना से घनघोर युद्ध हुआ। युद्ध में भगवान शिव की स्वयं सहभागिता होने के कारण दानवों के जीतने की कोई संभावना नहीं थी। और हुआ भी यही, देवताओं ने समस्त दानवों को मार डाला और अंत में खंडोबाजी ने मल्ल और मणि का संहार किया, पृथ्वी पर मानवता की रक्षा की। साई बाबा, बरसों से इस कहानी को मैं जानता हूं, लेकिन इसका सार आज तक मुझे समझ में नहीं आया। खंडोबाजी की कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? बुआ जी, जिस तरह खंडोबाजी ने हमारी रक्षा के लिए दैत्यों का नाश किया, उसी तरह हमें भी स्वयं की, हमारे समाज की रक्षा के लिए अपने अंदर के दैत्य का नाश करना चाहिए। हर इंसान में अच्छाई भी है और बुराई भी। अच्छी चीजें हमें, हमारे आसपास के लोगों को खुशी देती हैं और बुराइयां हमें अपनों से, अपनी खुशियों से दूर करती हैं। इसीलिए हमें इनका नाश करना चाहिए। साई, मैं अपने अंदर के बुराइयों का नाश करने के लिए जी जान लगा दूंगा। खंडोबाजी ने हमारे रक्षा के लिए दानवों का संहार किया है। मैं उनके लिए बहुत सुंदर माला बनाऊंगा। श्री राम, जय श्री राम। समता जी, मैंने सोच लिया है उसे कैसे बाहर निकालना है। अच्छा, बताओ कैसे निकालेंगे पंता जी? पंताजी, आप दिखने में जितने छोटे हो ना, आपका दिमाग उतना ही मोटा है। मेरा मतलब वो नहीं, मतलब बड़ा दिमाग है। अच्छा सोचा आपने। श्री राम।
ये गन तो बात नहीं काशीनाथ, यू समझ लो कि खून नहीं, मदिरा पीने की इच्छा थी जो बह गई। बंता जी, जब तक ये फकीर जाग रहा है ये हमें कामयाब नहीं होने देगा। हमें इसके सोने का इंतजार करना चाहिए। हाँ संता जी। काशीनाथ, इसे पी लो। कड़वा है। स्वाद कड़वा है पर तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। पंताजी, ये फकीर सोएगा कब? अरे पंताजी, संभाल के। आप यहां संता जी? हाँ, तू जो यहां है।
अभी का आवाज नहीं, चल बाहर आ मेरे साथ। बहुत बहुत घबराहट हो रही है साई, ऐसा लग रहा है कुछ गलत होने वाला है। इन्हें बचा लीजिए। मेरा यकीन कीजिए, मैं लगाऊ पैसों के इंतजाम, बहुत जल्दी पैसे लौटा दूंगा। भगवान के लिए मेरे साथ हाथापाई नहीं कीजिएगा। काशी निश्चिंत रहो, तुझसे हम मारपीट करने नहीं आए हैं, बस तुम्हें याद दिलाने आए हैं, क्योंकि तू तो उस फकीर के खंडर में जाके बैठ गया है। अगर यहाँ पे रहेगा तो काम धंधा कैसे करेगा, और जब काम धंधा नहीं करेगा तो कर्जा कैसे चुकाएगा? ध्यान रहे, इसके बाद तुझे कोई मोहलत नहीं मिलेगी। पंता जी, एक आखिरी बार और मोहलत दे दीजिए। बात को समझा करो काशी, हम दोनों सरकार के मुलाजिम हैं, मजबूर हैं, पर यकीन मानो मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है। तुम्हारी इस मजबूरी को मैं समझता हूं, पर सरकार नहीं, वो तो हर वक्त हमारे सिर पर सवार रहते हैं। आज सुबह से हमें धूप में काम पर लगा रखा था, सोचा था कि घर जाकर दिन भर की थकान उतारने के लिए ये मदिरा को पिएंगे, पर उन्होंने हमें तुम्हारे पास भेज दिया, कहा कि तुम्हें याद दिला दूं। तुझे भी पीनी है क्या? अरे ना ना, तू तो छोड़ना चाहता है ना, इसीलिए यहाँ पर आया है, है ना? तो जाने दे, तेरी किस्मत ही खराब है। अब जब तेरे भाग्य में मदिरा नहीं है तो नहीं सही, पर सच बताऊं, खास अपने लिए बनवाई है मैंने। गले से उतरते ही दिन दुनिया सबसे मुक्ति, कोई झंझट नहीं, सारी चिंता मिटा देती है, है ना संता जी? सच कह रहे हो पंता जी। चाहिए तो बोलो। हाँ दो। हाँ, चलिए पंता जी। संता जी मुझे भी खास बनवाइए। अच्छा अच्छा, तुम्हें उस फकीर की चिंता हो रही है? अरे वो फकीर तो कब का सो चुका है, अब सुबह ही उठेगा, तब तक तुम्हारा नशा भी उतर जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। पी लो। ओम साई राम, 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 ओम साई राम।
झिझको मत। अरे भाई ये लत छूटते छूटते छूटती है, धीरे धीरे छूट जाएगी। पी लो। पी लो काशीनाथ, पी लो। एक दिन पीने में क्या फर्क पड़ेगा। और एक बात कहूं, तुम बेवजह ही उस फकीर की बातों में आ रहे हो। ये शराब तुम्हारी ऊर्जा है, ताकत है तुम्हारी। ये शराब है इसीलिए तुम हो। लो पी लो। ओम साई राम। ए पकड़ो, पियो इसे। रुक क्यों गए? पियो। साई मुझे माफ कर दीजिए। माफी क्यों मांग रहे हो काशी? मैं ना तुमसे नाराज हूं और ना तुम्हें पीने से रोकने आया हूं। दिल से कह रहा हूं पियो, अगर तुम्हें लगता है कि ये इस वक्त तुम्हारी जरूरत है तो है। अब कौन सा नया नाटक खेल रहा है ये फकीर? मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूं। तुम पी सकते हो अगर सच में तुम्हें इसकी जरूरत है तो। बस इसके बदले में एक छोटा सा काम करना होगा तुम्हें। जी बोलिए से। हर घूंट पर तुम्हें राम नाम लेना होगा। जैसे माला पिरोते वक्त लिया था, हर घूंट पर राम नाम लोगे। साई बाबा, माला बनाते समय राम का नाम तो ठीक था, लेकिन शराब पीते समय? बुआ जी, माला बनाते समय भी काशीनाथ इंसान था और अब भी ये इंसान है जिसे राम ने बनाया है। काशीनाथ अगर माला पिरोते हुए राम का नाम ले सकता है तो शराब का सेवन करते हुए क्यों नहीं ले सकता?
कहीं फकीर को ये तो नहीं लग रहा कि उसके इस दाव से काशीनाथ नहीं पिएगा? यक्कड़ को फोकट की शराब मिल जाए तो वो तो किसी का भी नाम लेकर पी सकता है। अब देख मजा फकीर। पियो काशीनाथ। श्री राम। साई मुझ पर इतना भरोसा करते हैं और ये मैं क्या कर रहा हूं? साई ने मुझे खुद पीने के लिए कहा है, फिर किस बात की झिझक? यो अगर इनकी शराब की लत नहीं छूटी तो मैं और भोला इनसे दूर चले जाएंगे। मैं सौगंध खाती मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ये तेरी कारस्तानी है ना फकीर, तू ये मत समझ कि तू जीत गया। भले ही तू इस बार कामयाब हो गया हो लेकिन तू कुछ भी कर ले, तू किसी भी हाल में काशीनाथ की शराब पीने की लत को छुड़वा नहीं पाएगा। चल बलता जी। हुई है वही जो राम रची राखा। बाबा अब भी मेरी समझ के बाहर है, मदिरा के साथ राम नाम। बुआ जी, राम नाम तो परब्रह्म का प्रतिरूप है, कोई भी चीज इसे अपवित्र नहीं कर सकती, लेकिन इसके जाप से अशुद्ध से अशुद्ध चीज भी पवित्र हो जाती है। राम नाम का जाप करने से विचारों में सकारात्मकता आती है, सही और गलत की पहचान कराता है राम नाम। ये अच्छाई का प्रतीक है और शराब बुराई का। अच्छाई की संगत में बुराई आ जाए तो एक समय आता है जब बुराई भी अच्छाई में बदल जाती है, जैसा काशीनाथ के साथ आज हुआ। शराब की लत में घिरा हुआ काशी राम का नाम लेते ही दूसरा घूंट नहीं पी पाया क्योंकि उसका मन पवित्र हो गया। बाबा आपकी शरण में हर पल कुछ नया सीखने को मिलता है। राम जी भला करें। काम का ना काज का दुश्मन अनाज का। वो बैरागी उस काशीनाथ के कान भर रहा था तब तुम दोनों क्या उसे निहार रहे थे? बिना सिंगों के गधों किस बात के पैसे देता हूं मैं तुम्हें? माफ कर दीजिए सरकार। मैंने तो अपना कार्य ठीक तरीके से पूरा कर दिया था और कामयाब भी हो गया था, लेकिन सरकार आप उस फकीर को जानते हैं? पता नहीं कब काला जादू करके लोगों को भ्रमित कर देता है। हम वहां पर ही होते हैं लेकिन कुछ
कुछ नहीं समझते सरकार, और हम जीती हुई बाजी बार बार हार जाते हैं। सही कहा तुमने पंता, सही कहा। इस बार हम इस गांव में जरूर असफल हुए हैं, लेकिन मेरे तीर समाप्त नहीं हुए हैं। मैंने मैदान नहीं छोड़ा है। एक काम करो संता पंता, इस काशीनाथ पे हर पल अपनी दृष्टि बनाए रखो, और जैसे ही अवसर मिले उसे शराब पिला देना। उसकी ये लत छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि अब ये मेरे प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है। हरिओम। सरकार। क्या हो रहा है काशी? इसे औषधि देनी होगी। सही, कुछ कीजिए, काशीनाथ की हालत खराब हो रही है। ये डर, मुझे शराब चाहिए। बाबा, आप इसे उदी क्यों नहीं दे रहे? बरसों से शराब की आदत है शरीर को, अचानक पूर्ति बंद होगी तो इस तरह की तकलीफ होना स्वाभाविक है। काशीनाथ को अपनी इच्छा शक्ति से अपने मन को दृढ़ करके इस असहनीय दर्द पे विजय पानी है। उदी दूंगा तो इसे तत्काल राहत मिल जाएगी, लेकिन पहर दोपहर के बाद काशीनाथ को फिर से इस दर्द से, इस स्थिति से जूझना होगा। इसे जरूरत है अपने मन और तन पे विजय पाने की। उसका असर स्थायी होगा, इसलिए इसे ये दर्द झेलना होगा। अगर आप सब काशीनाथ के लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो इसका ध्यान दूसरी तरफ बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आपकी बात बिल्कुल सही है बाबा, लेकिन काशीनाथ का तन मन शराब की मांग कर रहा है। इसका दिमाग और कुछ भी सोचने की स्थिति में नहीं है, ये हमारे कुछ भी नहीं सुनेगा। तो फिर हमें वो तरीका ढूंढना होगा जिससे काशीनाथ का ध्यान शराब से भटक कर कहीं और टिक सके। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.